एक्ट्रेस युविका चौधरी को सोशल मीडिया पर सुबह से ट्रॉल किया जा रहा है। यूट्यूब पर युविका चौधरी ने एक वीडियो शेयर किया जहां उन्होंने कास्टिस्ट स्लर को यूज़ किया, जिसके बाद युविका चौधरी ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्हें इस शब्द का मतलब नहीं पता था। और अब उनके हस्बैंड प्रिंस नरूला का वीडियो सामने आया है जो कि उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया है, जहाँ पर उन्होंने भी यही बात बोली है। देखिए प्रिंस का ये वीडियो। हाय एवरीवन, सो ये स्टोरी सिर्फ उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए है जिन लोगों को उस वर्ड से हर्ट हुआ है, जो वर्ड कल यूवी ने ब्लॉग में यूज़ किया था। एंड मैं आपको सच बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली में हम में से किसी को उस वर्ड का मतलब नहीं पता था। जब आपके मैसेज आए तो हमने गूगल किया एंड देन वी सी, एंड हमें बहुत बुरा लगा कि शिट हमने क्या कर दिया, और फिर साथ ही यूवी ने वो एडिट कर दिया था वापस। सो गाइज प्लीज़, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि कुछ भी जान मूझ के नहीं किया गया, और एक्चुअली में हमें मतलब पता भी नहीं था इसका, क्योंकि मैं भी वहाँ था, जुनेद भी था। एंड अगर यूवी की गलती है तो उतनी गलती मेरी भी है, क्योंकि हम दोनों को इसका मतलब नहीं पता था। सो हम दोनों आपकी माफ़ी के हकदार हैं। सो गाइज वी आर रियली सॉरी कि अगर हमने किसी को भी हर्ट किया हो। वी लव यू गाइज, एंड हम वो लास्ट पर्सन है जो कास्ट पर बिलीव करते हैं। हम वो इंटेंशनली करता है या नहीं करता, ठीक है, अगर हमने जान के किया होता तो येस, हम हर सज़ा के हकदार थे, पर हमने कुछ भी इंटेंशन से नहीं किया। यूवी को नहीं पता था उसका वर्ड का मतलब उसने जो यूज़ किया, और मुझे भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं उसको रोक। और मैं हेटर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जिनको एक मौका चाहिए होता है कि कुछ ऐसा इनके मुँह से गलती से निकले ताकि वो ट्रोल कर पाएँ, गाइज आप प्लीज़ अपने घर वालों को भी उस साइड रख के देख लिया करो कि कोई